हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आरजे एकेडमी। माय नेम इज़ रजनीश और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नए चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को। अगर मैं बात करूँ CSIR नेट JRF केमिकल साइंस के एग्ज़ाम की तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा खासा स्कोर करा सकता है ये। सिलेबस के अंदर इसको एक यूनिट दी गई है। तो आज का जो मैं लेक्चर होने वाला है ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्यों हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते हैं और क्या हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपको ऑफिशियल सिलेबस क्या दिया गया है वेबसाइट के ऊपर, और साथ साथ बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर छोड़कर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज़ आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आज के लेक्चर की थोड़ी सी बातें करेंगे, आखिर क्या हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्या आपका सिलेबस दिया गया हुआ है CSIR नेट के अंदर या फिर गेट के अंदर, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं केमिकल काइनेटिक्स को लेकर। तो उन सब चीज़ों की बातें करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि CSIR नेट के जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अंदर केमिकल काइनेटिक्स को एक यूनिट दिया गया है। और मैंने मेरे पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया है कि एक यूनिट का मतलब होता है कि आपको एग्जाम के अंदर वो चैप्टर 7.5 से लेकर 8 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्या पता वो आपसे 5 मार्क्स का पूछा गया, क्या पता वो आपसे 10 मार्क्स का पूछा गया। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली केमिकल काइनेटिक्स का एनालिसिस करें पिछले 5-6 साल का कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं नेट के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं आपसे 7.5 से ज़्यादा का ही पूछा जाता है और कम से कम ये आपको 10 से लेकर 12 मार्क्स तक कभी कभी एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो हम ऑन एवरेज मानकर चलते हैं कि आपसे एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, और हम लोग 8 मार्क्स की स्कोरिंग को पकड़ के चलते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स से आप लोग इजीली 8 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे CSIR नेट के अंदर, तो बेसिक बात यह है कि बहुत न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो मीडियम लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट बी के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं और पार्ट सी के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बिल्कुल ईजी भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोग केमिकल काइनेटिक्स को 12th क्लास से ही पढ़ते हुए आए हो और 12th से आपको ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, आपको केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा सही चैप्टर लगता है कि क्या इसके फॉर्मूले भी इजी हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मोलिकुलरिटी है, इंटीग्रेटेड रेट लो है, डिफरेंशियल रेट लो है, ये सब चीज़ें आपको पता भी हैं और इनके ऊपर से क्वेश्चन नेट के अंदर आते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आप लोग 12th क्लास से पढ़ते हुए तो इसके क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं इस पोर्शन से भी। लेकिन बात यह है कि केमिकल काइनेटिक्स में सिर्फ ऑर्डर और रिएक्शन ही नहीं है, उसके अलावा उसके अंदर बहुत कुछ है, थ्योरीज़ हैं, थ्योरीज आपको पढ़ना पड़ता है, SSA है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है, वो सब भी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम लोग इस कोर्स के अंदर जहाँ पर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको समथिंग अराउंड 25 से लेकर 30 लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा केमिकल काइनेटिक्स के। अब ये इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है कि 30 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो, लेकिन हम साथ साथ क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए हैं गेट के अंदर, नेट के अंदर, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग साथ साथ करेंगे। तो लेक्चर्स थोड़े से बढ़ जाते हैं क्योंकि आधा टाइम तो क्वेश्चंस ही ले लेता है कि कितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस को साथ में लेते हुए चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कि आखिर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो मैंने सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, आखिर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ लीजिए, आप थर्मोडायनामिक्स को पढ़ लीजिए, क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, बायनोडियन केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, या फिर आप लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको केमिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर से क्या फ़ायदा मिलेगा, या फिर क्या आपको ये चैप्टर आपको लेकर दे रहा है, कि आपको कितनी नॉलेज इस चैप्टर से मिल सकती है, या फिर किस टॉपिक के बारे में आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगी, वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप
लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो, थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हो, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप लोग बात करते हो कि क्या आपकी केमिकल रिएक्शन, वो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, क्या आपकी वो केमिकल रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या फिर फिजिबल नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस है या फिर स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो उन सब चीज़ों की बात आप कहाँ करते हो, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करते हो। अगर मैं बात करूँ रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो वहाँ पर आप लोग पढ़ते हो कि जो आपकी रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, क्या इंटरमीडिएट बनेंगे, किस तरीके से आपकी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आप लोग बात करते हो कि आपकी रिएक्शन कितनी तेज़ हो रही है या कितनी धीरे हो रही है। अगर वो धीरे हो रही है तो कैसे मैं इस रिएक्शन को तेज़ कर दूँ, कैसे मैं इस रिएक्शन को धीरे कर दूँ। कैटलिस्ट पढ़ते हो आप, वहाँ पर आप लोग ये देखते हो कैसे मैं इस रिएक्शन को तेज़ कर सकता हूँ, क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे मैं इस रिएक्शन को स्लो डाउन कर सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें भी आप लोग पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स में। तो मेन फोकस हमारा इसी चीज़ के ऊपर रहेगा कि आप किस तरीके से जो रिएक्शन जो हो रही है कितनी तेज हो रही है, क्या उस रिएक्शन की स्पीड है, कितनी स्लो हो रही है, वो सब चीज़ें आप पढ़ते हो। कैसे आप रिएक्शन को तेज कर सकते हो, कैसे आप रिएक्शन को धीरे कर सकते हो। टेम्परेचर की डिपेंडेंस क्या है रेट के ऊपर, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे रेट क्या हो रहा है, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे रेट क्या हो रहा है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और आप लोग 12th क्लास से इस टॉपिक को पढ़ते हुए आ रहे हो, और आप लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, शूड ऑर्डर रिएक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता है, तो आपको ये टॉपिक थोड़ा सा ईजी भी लगता है। लेकिन इन सब के अलावा भी इस काइनेटिक्स के अंदर बहुत कुछ है, स्टैंडर्ड से अप्रोक्सीमेशन है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। और मोटी मोटी बात यह कि हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का। अगर एग्जाम के अंदर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिला, 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिले केमिकल काइनेटिक्स से, तो सिर्फ इस कोर्स को स्टडी करने से आप लोगों को 10 मार्क्स ईजिली स्कोर कर पाओगे। और जो क्वेश्चंस के जो आप लेवल होते हैं वो आप विदिन 30-40 सेकंड्स के अंदर आप इसके एक क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, इस चैप्टर को आप लोग ज़रूर पढ़िए। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा है कि वाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। मान चलो इसका एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग हेबर प्रोसेस को बहुत पहले से पढ़ते हो, जहाँ पर आप लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन के साथ, और आप लोग अमोनिया की फॉर्मेशन करते हो। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, N2+3H2 गिव्स 2H3, ये आपकी रिएक्शन है, ये आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, हेबर्स प्रोसेस है। इससे आप क्या करते हो, इस रिएक्शन से जनरली आप लोग अमोनिया का फॉर्मेशन करते हो। अब मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, ह्यूमन बीइंग क्या, जो भी आपके पास यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबको क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है ताकि उनका पेट भर जाए। तो खाने के लिए आपको क्या करना होता है, आप एग्रीकल्चर करते हो। अब एग्रीकल्चर के अंदर आपको क्या चाहिए होता है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। फर्टिलाइजर्स के अंदर आपको चाहिए होता है यूरिया। अब आपको पता है कि अगर आपको यूरिया चाहिए एग्रीकल्चर, आपको फार्मिंग करने के लिए यूरिया चाहिए, तो यूरिया आप कहाँ से लेकर आओगे। यूरिया बनता है हमारा किससे, अमोनिया से। अमोनिया कहाँ से बनाते हो आप, अमोनिया की रिएक्शन तो आपके सामने लिखी हुई है। आप इस प्रोसेस से कैसे बनाते हो, आप N2 को रिएक्ट कराते हो H2 के साथ, वहाँ से अमोनिया बनाते हो, यहाँ से आप अमोनिया बनाओगे, अमोनिया को लोगे, अमोनिया से क्या बनाओगे, यूरिया बनाओगे, यूरिया से आप यूज़ करोगे फार्मिंग करोगे, फार्मिंग से आप खाना ग्रो करते हो, उसको आप खाते हो। तो बेसिकली आपको ज़रूरत है अमोनिया की। अब अगर मैं बात करूँ, मैं किसी बहुत बड़े कमरे के अंदर नाइट्रोजन गैस को भी डाल दूँ और हाइड्रोजन गैस को भी डाल दूँ, तो क्या लगता है आपको कितने टाइम के अंदर आपकी जो है अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगा। साल लग जाते हैं, कभी कभी 5 साल 10 साल 15 साल लग जाते हैं आपकी रिएक्शन कंप्लीट होने के अंदर, अमोनिया का फॉर्मेशन होने के अंदर। तो क्या आप लोग 15 साल का वेट करोगे कि कब आपका अमोनिया बनेगा, फिर जब मेरा अमोनिया बनेगा तो मैं उसको बाहर निकालूंगा, निकालने के बाद मैं उसको यूरिया में कन्वर्ट करूंगा, फिर यूरिया को डालूंगा फार्मिंग के अंदर, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्या सालों साल आप वेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो आपको ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है आपको, आपको ज़रूरत है कि आपकी रिएक्शन जल्दी से प्रोसीड हो जाए, विद इन 1 घंटे के अंदर हो जाए, 2 घंटे के अंदर हो जाए, फिर 3-4 दिनों के अंदर आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए, और आप लोग वहाँ से अमोनिया को निकालो और उससे यूरिया बनाओ और अपनी फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर को आप लोग आगे प्रोसीड करो, ताकि आप लोगों को खाना जो है वो टाइम पर मिल सके। तो आपको ज़रूरत है रिएक्शन को तेज़ करने की, आपको ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन को स्लो करने की। तो उन्हीं सब चीज़ों की स्टडी करने वाले हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये JRF के अंदर पूछा गया इसलिए आप स्टडी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो। तो जब भी हम लोग कोई चैप्टर शुरू करेंगे, पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा कि आखिर हम लोग उस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपने देख लिया कि केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ते हो क्योंकि आपको रिएक्शन को कभी कभी तेज करना पड़ता है, कभी कभी आपको रिएक्शन को धीरे करना पड़ता है, कैसे मैं उसको तेज करूं, कैसे मैं धीरे करूं, उन सब चीजों की बात आप लोग करने वाले हो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। अब बात करते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस दिया गया है। तो मैंने यहां पर जो है आपके सामने CSIR NET JRF केमिकल साइंस का ऑफिशियल सिलेबस लिखा हुआ है, आपको यहां पर एक यूनिट
स्टडी दी गई है, तो मैंने वहाँ से इसको कट किया हुआ है। जो सिलेबस आपका लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है एम्पेरिकल रेट लॉस एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशंस, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, कॉलिजन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरीज ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, एंजाइम काइनेटिक्स, सॉल्ट इफेक्ट्स, होमोजीनियस कैटालिसिस एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो आप देखिए इन्होंने कितना बहुत छोटा सिलेबस लिख दिया है, बड़ी बड़ी बातों को सही देखिए लाइन के अंदर कह दिया है इसने। अगर आप बात करो उस ऑर्डर वाले पार्ट की, तो ऑर्डर वाला पार्ट तो उसने पहले ही वर्ड के अंदर खत्म कर दिया, जहाँ पर उसने लिखा हुआ है एम्पेरिकल रेट लो। उसके बाद जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, ये भी आप लोग अरिन इंस्पेक्टर के अंदर पढ़ोगे, भी आप बाद में पढ़ने वाले हो। तो बेसिकली उसने पूरा ऑर्डर वाला पार्ट तो एक वर्ड के अंदर खत्म कर दिया। क्या है वो? एम्पेरिकल रेट लॉस। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सिर्फ ऑर्डर वाला पोर्शन ही नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है। तो आपको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बहुत कुछ पढ़ना है और उसको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप लोग क्वेश्चंस आराम से कर पाओ। अब ऐसा नहीं है कि एम्पेरिकल रेट लॉस सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, आपको इन चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस है बहुत छोटा तरीके से लिखा हुआ है, हम लोग थोड़ा सिलेबस को हम लोग ये पढ़ते हैं, हम लोग किस तरीके से हम लोग जो है इस कोर्स के अंदर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने लिखा हुआ है हाउ वी विल स्टडी, हम किस तरीके से केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा सिलेबस रहेगा, किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले तो मैंने केमिकल काइनेटिक्स को तीन पार्ट में तोड़ा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए हमारा बेसिकली वही रहेगा जो ऑर्डर वाला पार्ट है, ऑर्डर, मोलिकुलरिटी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेशन लो, इंटीग्रेशन रेट लो, डिफरेंशियल रेट लो, इन सब चीज़ों की बातें हम लोग कहाँ करने वाले हैं, पार्ट ए के अंदर पढ़ने वाले हैं। पार्ट ए आप लोग 12th क्लास से पढ़ते हुए और आपको इंटरेस्टिंग भी है, तो हम लोग थोड़ा सा तेज चलेंगे इस पार्ट के अंदर, जल्दी जल्दी चीजों करेंगे। अब क्योंकि कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज, क्योंकि क्वेश्चंस तो यहां से भी आते हैं, तीनों ही पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए पार्ट से क्वेश्चन आएगा या बी से आएगा या सी से आएगा, क्वेश्चंस हर जगह से आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के भर भर के क्वेश्चन आते हैं नेट के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम लोग इस कोर्स के अंदर, तो भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे और तीनों पार्ट से इक्वली क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट ए अपना 1/3 रखेगा, ये जो पार्ट होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, इसको आपको पढ़ना है, ये 1/3 मार्किंग आपको दिलाएगा। अगर पूरा काइनेटिक्स 10 मार्क्स का आ रहा है तो आपका वहां पर ये 3.5 मार्क्स आपको स्कोर कराएगा ही कराएगा, पार्ट ए अपनी स्कोरिंग रखता ही है। तो पार्ट ए के अंदर आप लोग सिंपल ऑर्डर वाली चीजें पढ़ोगे, पार्ट बी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एसएसए यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे, पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, कंसेक्यूटिव रिएक्शन क्या होती है, अपोजिंग रिएक्शन क्या होती है, उन सब चीजों की बात करने वाले हैं पार्ट बी के अंदर। और पार्ट सी के अंदर बेसिकली हम लोग थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, जो आपके पास थ्योरीज हैं इसके अंदर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, उन सब की बात करेंगे हम लोग पार्ट सी के अंदर। तीनों ही पार्ट इक्वली स्कोरिंग है, इक्वली डिवाइड होते हैं क्वेश्चंस, पार्ट ए से भी आते हैं, पार्ट बी से भी आते हैं और पार्ट सी से भी आते हैं, तीनों के ऊपर हम लोग इक्वली फोकस करेंगे। हालांकि आप लोग पार्ट ए को स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा तेज चलेंगे इस पार्ट के अंदर, किस जो कि आप लोग बहुत टाइम से इसको पढ़ते हो, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर पार्ट एक आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो वही बात है कि वाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर कि आखिर आपकी स्टोचियोमेट्री क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, कंपोजिट रिएक्शन क्या होती है, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से उठेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर। लेकिन पार्ट ए को मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा तेज कराऊंगा क्योंकि आपको ये सब चीज़ें पहले से ही पता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेट लो क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद इंटीग्रेटेड एंड डिफरेंशियल रेट लो पढ़ेंगे, क्या आपके पास इनके बीच में डिफरेंस होता है, कब आपको इंटीग्रेटेड रेट लो यूज़ करना है, कब आपको डिफरेंशियल रेट लो यूज़ करना है। बेसिकली आपको यहाँ पर ऑर्डर निकालना है, तो आप कब यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लो यूज़ करोगे, कब आप लोग डिफरेंशिएटेड रेट लो यूज़ करोगे, उन सब की बातें भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है, उसके अंदर हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे, फर्स्ट के लिए पढ़ेंगे, सेकंड के लिए पढ़ेंगे, या फिर हम लोग nth ऑर्डर के लिए पढ़ लेंगे, यहाँ पर आपका ये सारे के सारे पहले से ही ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस तरीके से आप लोग ऑर्डर निकाल सकते हो। तो रेट लो एक्सप्रेशन आपके पास एक मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, हाफ लाइफ टाइम मेथड होता है, वांट ऑफ मेथड होता है, रेशियो वेरिएशन मेथड होता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड होता है, एन सारी चीज़ों की बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि आप लोगों को आती भी है, आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते हुए भी आ रहे हो, तो थोड़ा सा तेज़ तेज़ निकाल देंगे पार्ट ए को। पार्ट ए के अंदर हम कम से कम भी 5-6 लेक्चर यहाँ पर बनाएंगे, जिसके अंदर पार्ट ए को हम लोग कंप्लीट कर देंगे 5-6 लेक्चर के अंदर। टोटल लेक्चर्स की बात करूँ तो समथिंग अराउंड आपको 25 से लेकर 30 लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके अंदर से आपके पार्ट ए के अंदर और पार्ट बी के अंदर सिर्फ 5 लेक्चर्स हैं। तो
कुछ बचा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले, जिसको हम लोग 20 लेक्चर दे रहे हैं या फिर 25 लेक्चर दे रहे हैं, तो बहुत कुछ है इसके अंदर, ऐसा नहीं है हल्के में। लेकिन आप पार्ट ए को ही मत लेना, पार्ट ए से भी क्वेश्चंस तो आते हैं। अब देखते हैं कि पार्ट बी के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो पार्ट बी में हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, यानी कि कंसेक्यूटिव रिएक्शंस देखेंगे, अपोजिंग रिएक्शन देखेंगे, पैरेलल रिएक्शन देखेंगे, चेन रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन, इन रिएक्शंस की किस तरीके से काइनेटिक्स होती है उन सब की बात करेंगे। और कंसेक्यूटिव रिएक्शन को पढ़ते हुए हम लोग एसएसए कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे कि आखिर आपका एसएसए क्या होता है, यहां पर हम लोग उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम लोग प्री इक्विलिब्रियम एप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे और स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इसके बाद। तो वहां पर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कंसेक्यूटिव और टाइम के ऊपर, और बाद में हम लोग उसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपका एसएसए क्या होता है, कब आपको वो अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से अप्रोच करना है, उन सभी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फोटो केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो ये आपका पोर्शन रहेगा किसका, पार्ट बी का। यही इतना सिलेबस जो है ये आपके पास पार्ट बी का है। क्वेश्चंस यहां से भी आते हैं, क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स से भरपूर आने वाले हैं, हर जगह से आने वाले हैं। तो आपको कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है, किसी भी पोर्शन को हल्के में भी नहीं लेना है। कोई क्वेश्चंस आप लोग चैप्टर को जब स्टार्ट करोगे तभी से ही क्वेश्चन आते हैं। इवन आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपसे गेट के अंदर पूछे गए हैं और नेट के अंदर पूछे गए हैं। टॉपिक को बस स्टार्ट ही करेंगे, स्टार्ट करते ही आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस रख दूंगा जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करने का वेट करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि पार्ट सी के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो पार्ट सी के अंदर आप पढ़ने वाले हो डिपेंडेंस ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑन टेम्परेचर, जहाँ पे आप लोग आरिनियस का कंसेप्ट पढ़ते हो। उसके साथ साथ हम लोग वहाँ पर हुड का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, गार्डनर का कंसेप्ट भी पढ़ने वाले हैं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, कोलिजन थ्योरी आपकी क्या कहती है, उन सब चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे। और एक बेसिक आइडिया लेंगे आखिर आपका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बेसिक आइडिया लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट सी के अंदर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होती है, आपके पास यहाँ पर थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट भी है और स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट भी है। तो जब हम इस पोर्शन तक पहुँच जाएंगे, यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे, बेसिकली हम लोगों ने अभी थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट कर रखा है कुछ यहाँ पर भी 20 लेक्चर्स समथिंग अराउंड 20 लेक्चर्स हो गए हैं थर्मोडायनेमिक्स के। मैंने क्यों काइनेटिक्स को स्टार्ट किया है, क्योंकि काइनेटिक्स को पढ़ते पढ़ते ही हमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और जब पार्ट सी के अंदर हम इस पोर्शन में पहुंच जाएंगे जहां पर हम थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट को पढ़ लेंगे, और यहां पर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट को पढ़ने से पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की। और साइडवेज हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट किया हुआ है। तो जैसे ही हमारा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होगा, समथिंग अराउंड 12 लेक्चर्स अभी पेंडिंग है उसके, 10-12 लेक्चर अभी और आएंगे थर्मोडायनेमिक्स के। तो जब तक उसके 10-12 लेक्चर आते हैं, साथ साइडवेज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को भी यहां तक कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे, बीच में ब्रेक लेंगे, केमिकल काइनेटिक्स को थोड़ा सा रोकेंगे, उसके बाद हम लोग वापस से इसके स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे, और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे काइनेटिक्स कोरस्पॉन्डिंग टू रिएक्शन इन सॉल्यूशन, सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री यहां पर बात करने वाले हैं, प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट क्या है, डिसऑर्डर इफेक्ट क्या है। उसके बाद हम लोग कैटालिसिस पढ़ेंगे होमोजेनियस के लिए भी और हेटरोजेनियस के लिए भी। हेटरोजेनियस के लिए आप पढ़ चुके हो, होमोजेनियस के लिए हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे एंजाइम होमोजेनेसिस एंड एसिटेट कैटालिसिस को भी पढ़ेंगे, सब चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में आते जाते लिंडमैन थ्योरी भी पढ़ेंगे, वो थ्योरी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन रेट के लिए है, तो उस थ्योरी को भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और फिर लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शन, जहाँ पर हम लोग रिलैक्सेशन मेथड को पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपको एक सिलेबस दिखाऊं फिर से, ऑफिशियल सिलेबस आपका क्या था, तो ऑफिशियल सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर आपका एम्पेरिकल रेट लॉस है, यह पूरा की पूरा मेरा कहाँ पर आ गया, पार्ट ए के अंदर मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए के अंदर जो हमारा पार्ट सारा मैंने डिवाइड किया हुआ है, उसके अंदर आपका एम्पेरिकल रेट लॉस सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है उसने, लेकिन उस एक वर्ड के लिए आपको पूरे 9 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, पूरे 6 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो मैंने पार्ट ए के अंदर आपको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस, इसकी बात करेंगे पार्ट सी के अंदर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, कोलिजन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरीज ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, एंजाइम काइनेटिक्स, सॉल्ट इफेक्ट, होमोजीनियस कैटालिसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इन सारे पोर्शन की हम लोग बात कर चुके हैं जो मैंने आपको सिलेबस बनाया है। वो सिलेबस इस तरीके से बनाया कि कैसे हम लोग इस कोर्स के अंदर उसको कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे, अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे, पूरा पेनिट्रेट करेंगे चैप्टर के अंदर। पूरे पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं और वो चैप्टर आपसे एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा गया है, तो आप वहाँ से पूरे के पूरे 10 मार्क्स ही स्कोर करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि यार हमने इतना पढ़ा है कि बस 5 मार्क्स स्कोर करेंगे। हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वहाँ से पूरी स्कोरिंग करेंगे। थर्मो पढ़ रहे हैं, थर्मो से पूरी स्कोरिंग करेंगे। क्वांटम पढ़ रहे हैं, क्वांटम से पूरी स्कोरिंग करेंगे। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से पूरी स्कोरिंग करेंगे। तो हर एक चैप्टर के अंदर हम लोग पूरा डीपली जा रहे हैं, सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। जितना आपको बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाया जाता है उतना पढ़ रहे हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 80% कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर भी आपको इतना नहीं पढ़ाया जाता,
जितना आपको यहाँ पर इस चैनल के अंदर करवाया जा रहा है। तो हम लोग पूरा कोर्स को अच्छे से कर रहे हैं। फिजिकल के ऊपर पहला फोकस हमारा इसलिए है क्योंकि हम लोग पहले फिजिकल को कवर कर रहे हैं, और फिजिकल के ऊपर फोकस मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि वहाँ से स्कोरिंग करना ईजी होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे ऑर्गेनिक पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती, फिर मैं ऑर्गेनिक को समझा नहीं सकता। ऑर्गेनिक सबको अच्छी लगती है, इवन मेरा फेवरेट भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। लेकिन यहाँ पर हमारा प्राइमरी फोकस क्या है कि हमें JRF निकालना है, हमें हमारा जो नेट का एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है, वो मेरा प्राइमरी फोकस है। तो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री एक अच्छा ऑप्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। अगर आप लोग ऑर्गेनिक से तैयारी कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऑर्गेनिक को भी पढ़ सकते हो, ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन फिजिकल के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थोड़े से अप्रोच करने लायक नहीं होते। वहाँ पर आपकी जो अप्रोच होता है, आपको उस केस के अंदर ऑर्गेनिक को पूरा पढ़ना होता है अच्छे से, क्या उसके बेसिक्स हैं। GOC को अच्छे से पढ़ो, रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ो, रिएजेंट्स सारे के सारे रिएजेंट्स सारी कंडीशन के साथ पढ़ो, उसके बाद आप लोग हर एक चीज़ को पढ़ो, फिर आपके पास जो क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक का वो सारे के सारे कंसेप्ट से मिलजुल कर एक क्वेश्चन बनता है। वहाँ पर आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपको क्वांटम केमिस्ट्री नहीं आती लेकिन आपको केमिकल काइनेटिक्स आती, तो आप केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन तो ईजिली कर पाओगे। अब वहाँ पर आपने नेम रिएक्शन पढ़ लिया ऑर्गेनिक के अंदर सारे के सारे, लेकिन आपको सिंपल GOC नहीं आती, तो आपको नेम रिएक्शन तो आपने याद कर ली। जब आपके सामने मैकेनिज्म लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, तो आपको तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा क्योंकि आपको मैकेनिज्म उस टाइम पे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं उस मैकेनिज्म को मिटा दूं और आपके सामने उस रिएक्शन के जैसे सेम टू सेम रिएक्शन दूसरे निकाल के रख दूं, तो पहला हमारे लिए टफ काम ये होता है कि आखिर रिएक्शन है किस चीज़ की, यहाँ पर कौन सी नेम रिएक्शन लगानी है, कौन सा मैकेनिज्म लगाना है, उन चीज़ों को समझना पड़ता है। उसके लिए आपको GOC को अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ता है, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ऑर्गेनिक के अंदर, जिसके लायक इसकी जिसमें जितनी मेहनत ज़्यादा है वो स्कोरिंग की चांसेस वहाँ पर कम होते हैं, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक के अंदर ही आती है बच्चों की। तो हमारा मेन फोकस फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर है, हालांकि हम लोग ऑर्गेनिक को भी पढ़ने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसको नहीं पढ़ेंगे। हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी पढ़ने वाले हैं, रिएजेंट्स भी पढ़ने वाले हैं, हम लोग ऑर्गेनिक भी पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपसे अभी भी यहाँ पर कह रहा हूँ अपना मेन फोकस फिजिकल के ऊपर ही रखिए और फिजिकल को ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि फिजिकल आपको अच्छा खासा स्कोर करा सकती है एग्जाम के अंदर। 106 मार्क्स की आपकी फिजिकल आएगी, 106 मार्क्स की आपकी इनऑर्गेनिक आएगी, और 106 मार्क्स की आपकी लगभग 106.7 कर लो, 0.7 कर लो, 0.7 कर लो, कुल मिलाकर 320 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आती है। तो अगर आप फिजिकल के 106 के अंदर से 90 मार्क्स जो कि ईजिली स्कोर हो सकते हैं, अगर आप इस पूरे कोर्स को जो मैं YouTube पर डाल रहा हूँ आप इस पूरे कोर्स को भी फॉलो करोगे तो 90 तो क्या आप यहाँ से 106 के अंदर 100 मार्क्स भी ईजिली ले आओगे। तो अगर आप 90 मार्क्स कैन भी फिजिकल से लेकर आ रहे हो तो उसके बाद तो आपके पास कोऑर्डिनेशन पड़ी हुई है, ऑर्गेनोमेटेलिक पड़ी हुई है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पड़ी ऑर्गेनिक की, जो कंसेप्चुअल टॉपिक है जो आप पढ़ोगे तो उसके क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे, वो टॉपिक्स हैं। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा टॉपिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक ऐसा टॉपिक है, उसको आप पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसा टॉपिक है, अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से पढ़ी है, IR पढ़ा है, UV पढ़ा है, मास पढ़ा है, तो आप स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन आराम से कर लोगे, तो उससे जो क्वेश्चन आते हैं आप उसको ईजिली कर पाओगे। तो 50 मार्क्स की स्कोरिंग तो हम लोग यहाँ से भी करेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से ईजी स्कोरिंग करेंगे, जो टॉपिक आपके कंसेप्चुअल है उसको पढ़ेंगे, और 90 मार्क्स आप लोग फिजिकल से ले आओगे तो ये आपके बन जाते हैं 140 मार्क्स, आप टॉप कर जाओगे इतने मार्क्स में JRF में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हो चीज़ों को, तो आप अच्छे से पढ़ो, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसे पूरे अच्छे से पढ़ो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का, किस तरीके से हमारा सिलेबस रहेगा। यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स लिखी हुई है जो रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स के पढ़ने के लिए। आपको अगर बुक पढ़नी है तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पर इंडियन ऑथर की बुक अलग से लिखी हुई है, फॉरन ऑथर के लिए अलग से मैंने बुक लिखी हुई है, आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर नोट्स निकालिए। पेज नंबर 5 के ऊपर मैंने आपको यहाँ पर सारी बुक लिखी गई है। इंडियन ऑथर के लिए मैंने यहाँ पर बात की है, KL कपूर आप पढ़ सकते हो, गुरदीप राज पढ़ सकते हो, प्रवीण त्यागी पढ़ सकते हो, VK पटेल पढ़ सकते हो, पूरी शर्मा पठानी तो आप पढ़ते ही हो। फॉरेन के लिए आप लैडलर पढ़ सकते हो, एंजल एंड रीड पढ़ सकते हो, साइमन एंड मैक्यूरी पढ़ सकते हो, उक्सी पढ़ सकते हो, एटकिंस की जो फिजिकल केमिस्ट्री बुक है उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैंने बुक्स बताई हुई है कौन कौन सी आप पढ़ सकते हो, तो जैसा आपको पढ़ना है उस तरीके से पढ़े। लेकिन हम लोग इस कोर्स के अंदर वो सारा सिलेबस करने वाले हैं जो आपको जरूरत पड़ने वाली है नेट के अंदर या फिर गेट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझ गए हैं कि आखिर हमें इसको क्यों पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स को। तो जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टोचियोमेट्री, कि आखिर स्टोचियोमेट्री क्या होती है, किस तरीके से आप लोग स्टोचियोमेट्री को डिफाइन करते हो, क्या इसका फॉर्मूला है। हल्के में आपको कोई भी टॉपिक नहीं लेना है केमिकल काइनेटिक्स का, जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है गेट के अंदर, नेट के अंदर भी आ रखा है, तो वो क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं मैं आपको।
तो कोई भी पार्ट को हल्के मत लेना, पार्ट ए से भी भरपूर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बशर्ते आपको पार्ट ए भी सारा आता हो, आपको पता हो क्वेश्चन को कैसे करना है, वो भी आपको आता हो। तो मान लीजिए आपके पास कोई जनरल रिएक्शन है, 2a plus 3b gives 4c, मैंने ऐसे ही कुछ भी रिएक्शन लिखी, जनरल रिएक्शन मैंने लिख दी, तो आप इस रिएक्शन से देख कर ये आप आराम से लिख सकते हो कि माइनस का 1/2 da by dt is equal to माइनस का 1/3 dv by dt is equal to प्लस का 1/4 3dc by dt is equal to क्या k into में a raise to the power a, b raise to the power b। अगर ये मेरी एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आपके a और b होंगे, पर अगर ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो a और b आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं जिनको आप लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हो। ये आपका रेट होता है, माइनस साइन आपने इसलिए लगाया क्योंकि आपका जो a है वो घट रहा है, जो आपका a है वो टाइम के साथ घट रहा है, तो आपने माइनस लगा दिया। रिएक्टेंट्स के लिए आप जनरली माइनस लगा देते हो, प्रोडक्ट के लिए जनरली प्लस लगा देते हो, तो ये सब चीज़ें आपको पता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पता है और आपको पता भी है। अगर मैं बात करूँ दूसरी रिएक्शन की N2 plus 3H2 gives 2H3, तो इसके लिए आप ले देते हो माइनस रेट ऑफ NH2 माइनस का 1/1 DNH2 by DT प्लस का 1/3 DH2 by DT इस गल टू प्लस का 1/2 DNH3, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपने इसको ऐसे क्यों लिखा, आपने इसको माइनस का 1/2 DA by DT क्यों लिखा। अब आप ये बोलोगे कि सर टाइम के साथ आपका ए बढ़ रहा है और आपका टाइम के साथ ए घट रहा है और टी बढ़ने से आपका ए घट रहा है तो आपने माइनस लगा दिया, वो चीज़ मेरी कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि आपने इसको 1/2 डी ए बाई डी टी कैसे लिखा, माइनस के 1/2 डी ए बाई डी टी तक आप पहुँचे कैसे, ये मेरा क्वेश्चन है कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, और अगर आप पहुँच भी गए तो आपने इसको इसके इक्वल कैसे कह दिया, आपने माइनस का 1/2 ए डी टी बाई डी टी को माइनस का 1/3 डी बी बाई डी टी के बराबर कैसे कह दिया, और चलो आपने इसको इसके बराबर भी कह दिया तो आपने इसको इसके बराबर कैसे कह दिया, और इसके बराबर कहने के बाद आपने इसको रेट के बराबर कैसे कह दिया, ये मेरा क्वेश्चन है किस तरीके से आप इस चीज़ को डिफाइन करते हो। तो पहले सीखते हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग स्टोइकोमेट्री को लिखते हो, यूज़ करते हो स्टोइकोमेट्री का, आप रेट को लिखते हो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपका स्टोइकोमेट्री क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज स्टोइकोमेट्री। कितने नंबर के अंदर आपके पास कोई भी केमिकल स्पीसीज है उसका कितना नंबर आपका किसी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। केमिकल रिएक्शन आपकी होती है कोलिजन के दौरान, यानी कि कितना कोलिजन हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल एक बार में कोलाइड कर रहे हैं, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी स्टोइकोमेट्रिक होती है। ठीक है, स्टोइकोमेट्री आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जनरली आपकी पॉजिटिव होती है प्रोडक्ट के लिए और जनरली आपकी नेगेटिव होती है रिएक्टेंट के लिए, तो ये भी आपको पता है क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो आपके रिएक्शन के साथ साथ जो उसके नंबर है वो डिक्रीज हो रहे होते हैं, रिएक्टेंट यूटिलाइज होगा तो उसके नंबर डिक्रीज होंगे, तो इसलिए आपकी स्टोइकोमेट्री वहाँ पर नेगेटिव हो जाती है। प्रोडक्ट केस के अंदर आपकी जो स्टोइकोमेट्री है वो पॉजिटिव होने वाली क्योंकि उसके नंबर इंक्रीज होते हैं, तो ठीक है ये बात भी आपको पता है। उसके बाद स्टोइकोमेट्री में भी टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। अब आपकी स्टोइकोमेट्री है ये टाइम डिपेंडेंट भी हो सकती है और टाइम इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, इसकी बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। फिर मैंने लिखा हुआ है जनरली स्टोइकोमेट्रिक इज पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट्स नेगेटिव फॉर रिएक्टेंट्स, ये भी आपको पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने लिखा हुआ है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आखिर आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जनरली क्या होता है ना, जो आप रिएक्शन लिखते हो यहाँ पर a प्लस 2b इक्वल टू क्या, इक्वल टू 3c, और आप यहाँ पर लिखते हो माइनस का 1/1 da by dt इक्वल टू क्या, इक्वल टू माइनस का 1/2 डी बी बाई डी टी इक्वल टू क्या, प्लस का 1/3 इंटू में डी सी बाई डी टी, और आप यहाँ पर कहते हो कि आपका रेट इक्वल है, तो बेसिकली आपका रेट इक्वल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जिस रेट से आपका ए डिक्रीज़ हो रहा है उसी रेट से आपका बी डिक्रीज़ होगा, उसी रेट से आपका सी इंक्रीज़ होगा, बेसिकली आपका रेट इक्वल नहीं होता। लेकिन आप इसमें लिखते हो इस तरीके से, अगर आपको लिखना आता तो ये लिखा हुआ ठीक है। आप लोग जो बोल रहे हो कि आपका रेट आपका ए टाइम के साथ घट रहा है तो नेगेटिव लगा दिया, लिखा हुआ अगले टाइम पे आप किसी तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में आपका रेट बराबर नहीं होता। जो चीज़ आपकी बराबर होती है वो होती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, या फिर मैं बात करूं एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन। जिस एक्सटेंट से आपका ए ख़त्म हो रहा है, जिस एक्सटेंट से आपका ए ख़त्म हो रहा है उस एक्सटेंट से आपका बी ख़त्म होगा और उसी एक्सटेंट से आपका सी बढ़ेगा। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अंदर और रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है आपके पास, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से भी क्वेश्चन आया हुआ है जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। सो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ अ पैरामीटर दैट डिटरमाइन द एक्सटेंट इन विच रिएक्शन प्रोसीड। कितने एक्सटेंट में आपका रिएक्टेंट, कितने एक्सटेंट के अंदर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो
चुका या फिर आप बोलो कितने एक्सटेंड में आपका रिएक्टेंट यूटिलाइज हो चुका। द चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कितने अमाउंट में आपका रिएक्टेंट यूटिलाइज हो रहा है या फिर कितने अमाउंट में कितने एक्सटेंड में आपका प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करते हो? इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है, ए गिव्स बी, ये आपके पास क्या है रिएक्टेंट है, ये आपके पास क्या है प्रोडक्ट है, तो आप इसको किस तरीके से लिखते हो? आप इसको लिखते हो ni इज इक्वल टू ni का स्टार प्लस का म्यू इंटू में साई, म्यू इंटू में जाई। इस जाई को आप बोलते हो क्या एक्सटेंट, म्यू क्या बोलते हो स्टोचियोमेट्री, जो आपका ni स्टार है इसको क्या बोलते हो इनिशियल अमाउंट, और इसको आप क्या बोलते हो ni को अमाउंट ऑफ द स्पीसीज एट टाइम टी। अब इसको समझते हैं कि आखिर मैंने इस इक्वेशन को कैसे लिखा हुआ है या फिर क्या इसका मतलब होता है। तो मान लीजिए आपका रिएक्टेंट जो है वो ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एन आई, यानी कि अमाउंट ऑफ स्पीशीज एट टाइम टी। मान लीजिए कि जो आपका अमाउंट ऑफ स्पीशीज है, मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ रिएक्टेंट को ले रहा हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा एन ऑफ ए इक्वल टू क्या एन ऑफ ए स्टार प्लस का क्या स्टोचियोमेट्री, और ये आपका क्या है जाई है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एन ऑफ ए मतलब क्या आपका स्टोच, आपका जो अमाउंट है वो क्या है टाइम टी के ऊपर। इनिशियल अमाउंट आपका क्या कह रहा है ए, ये कह रहा है ये आपका इनिशियल अमाउंट है। ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होती है स्टोचियोमेट्री। अब मैंने आपको कहा है कि जो आपकी स्टोचियोमेट्री होती है रिएक्टेंट के लिए वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अगर आपकी स्टोचियोमेट्री नेगेटिव है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ये तो आपका कितने एक्सटेंट में आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, कितने एक्सटेंट में यूटिलाइज हो रहा है, कितने एक्सटेंट में कंज्यूम हो रहा है, कितने एक्सटेंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो तो आपका पॉजिटिव रहेगा। तो एक्सटेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो पॉजिटिव रहती है, स्टोचियोमेट्री रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव है। तो आप नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव के साथ तो आपका रिजल्ट निकल कर आएगा नेगेटिव के अंदर। तो आप यहाँ पर निकाल रहे हो अमाउंट ऑफ स्पीसीज अमाउंट ऑफ ए एट टाइम टी, और आप मान के चल रहे हो कि रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड जा रही है, तो टाइम टी के बाद जो आपका ए है रिएक्टेंट है वो कम होगा। अगर आपका रिएक्टेंट एन ए कम होगा तो आपका एन ए में से कुछ कम होना चाहिए, आपका इनिशियल अमाउंट है तो इनिशियल अमाउंट में से कुछ कम होना चाहिए, और बेसिकली ये आपके पास माइनस में ही निकल कर आएगा। तो इनिशियल अमाउंट में से आप कुछ माइनस करोगे तब आपके पास क्या निकल कर आ रहा है फाइनल अमाउंट निकल कर आ रहा है, और किस तरीके से निकल कर आ रहा है उसको आप क्या बोलते हो एन आई अपॉन में, ये आपका रिलेशन होता है फाइनल अमाउंट का इजकल टू इनिशियल अमाउंट प्लस का जाई प्लस का म्यू इंटू में जाई। जाई आपका एक्सटेंट है और म्यू आपका क्या है स्टोचियोमेट्री, रिलेशन होता है स्टोचियोमेट्री अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बीच में। उसके बाद आप क्या करो एन आई को आप इस साइड में लेकर चले जाओ, म्यू को आप नीचे ले आओ, तो आप क्या बोल सकते हो जो आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो आपका जाई है वो क्या हो गया एन आई माइनस का एन आई स्टार डिवाइडेड बाय म्यू। ये आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। ये बेसिकली क्या है फाइनल अमाउंट है, ये आपका क्या है ये आपका इनिशियल अमाउंट है। फाइनल माइनस रिलेशन आपको करना है। अगर मैं रिएक्टेंट के उसको लेके करूंगा, मैं रिएक्टेंट को स्पेस भी लेके करूंगा, तो आपका फाइनल अमाउंट मान लो आपका ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है या आपका रिएक्टेंट में रिएक्टेंट को लेके चल रहा हूं, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो यानी कि आपका ऊपर क्या हो जाएगी माइनस क्या हो जाएगी। लेकिन अगर रिएक्टेंट की बात करो तो आपका स्टोचियोमेट्री भी माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस डिवाइड क्या हो जाएगा वापस से प्लस। तो आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमेशा ही क्या होना चाहिए हमेशा ही वो हमेशा वो पॉजिटिव ही होगा। अगर मैं प्रोडक्ट को लेके इसको निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा मैं, आपका जो एन आई है फाइनल कंसंट्रेशन वो ज़्यादा रहेगी, फाइनल माइनस रिलेशन पॉजिटिव रहेगा, और प्रोडक्ट के लिए आपका जो म्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव क्या हो गया पॉजिटिव ही रहेगा। रिएक्टेंट केस के अंदर ऊपर आपका नेगेटिव नीचे भी आपका नेगेटिव तो क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टोचियोमेट्री डिवाइडेड बाय म्यू, और मैं अमाउंट को यहाँ पर मोल के अंदर ले रहा हूँ, अमाउंट मेरा किसके अंदर है मोल के अंदर है। तो आपका ये क्या निकल कर आ गया जाई निकल के आ गया। इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है गेट के अंदर, उसको हम थोड़ी देर में अभी करेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं कि आखिर रेट ऑफ कन्वर्जन क्या है, रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस रेट से आपकी चीज़ें कन्वर्ट हो रही है, किस रेट से आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, उसको मैं बोलता हूँ रेट ऑफ कन्वर्जन। डेफिनेशन हमें कहती है कि रेट ऑफ कन्वर्जन होता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जो आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो आपने निकाला है उसको आपका टाइम डेरिवेटिव निकाला, यानी कि आपको टाइम के साथ उसको डिफरेंशिएट करना है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं इसलिए ताकि आप ये समझ जाओ कि आपके पास जो ये टर्म है माइनस का 1 बाय टू डी ए बाई डी टी है ये कैसे निकल कर आई, और निकल कर आई तो ये आपकी इसके इक्वल क्यों आई, उस चीज़ के लिए हमने पढ़ा है अभी अभी क्या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और अब हम पढ़ रहे हैं रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है। यहाँ से हम लोग वापस से वहीं पर ही पहुँचेंगे, कैसे हम लोगों ने यहाँ पर माइनस 1 बाय टू डी ए बाई डी टी को इक्वल टू कहा माइनस 1 बाय थ्री डी वी बाई डी टी के, तो बस देखते रहिए कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। तो रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, आपका रेट ऑफ कन्वर्जन होता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज
रेट ऑफ कन्वर्जन। तो आपको इसको टाइम डेरिवेटिव करना है, तो ठीक है आप इसको डिनोट करते हो आप जाई के स्टार से। जाई स्टार मेरा क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है रेट ऑफ कन्वर्जन, रेट ऑफ कन्वर्जन होता है आपका जाई स्टार। तो इसको आप क्या करोगे, टाइम डेरिवेटिव लोगे इसका, तो यानी कि डी जाई बाई डी टी कर दिया आपने, इक्वल टू क्या, साई की वैल्यू क्या होती है, एन आई माइनस का एन आई स्टार बाई म्यू, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसकी वैल्यू रख दिया आपने, इसके अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, इसके अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या म्यू तो आपका कॉन्स्टेंट ही है, म्यू क्या स्टोचियोमेट्री है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टोचियोमेट्री कोफिशिएंट कांस्टेंट रहेगी, तो म्यू को आपने बाहर निकाल दिया, डी बाई डी टी हो गया एनआई के साथ, डी बाई डी टी हो गया एनआई स्टार के साथ, एनआई स्टार था एट कंसंट्रेशन एट टाइम टी, यानी कि ये आपका टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये तो आपका इनिशियल, ये आपका क्या था, ये आपका इनिशियल अमाउंट था, एनआई स्टार क्या था, इनिशियल अमाउंट था, ये तो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट, क्योंकि ये तो आपका इनिशियल अमाउंट है, लेकिन जो एनआई है ये टाइम के साथ इंक्रीज भी होगा और टाइम के साथ डिक्रीज भी होगा, तो ये आपके पास कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, तो इसको आप जीरो मान दो, तो क्या आगे बराबर हो गया आपका साइज निकल कर आ गया 1 बाय म्यू इनटू में डी ऑफ एनआई अपॉन में डीटी, ये आपके पास निकल कर आया रेट ऑफ कन्वर्जन। अब रेट ऑफ कन्वर्जन जो आपके पास निकल कर आया, यहां से आपको पहुंचना है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किस रेट से आपकी कोई स्पीशीज कन्वर्ट हो रही है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मैंने वॉल्यूम से ही क्यों डिवाइड किया उसको समझते हैं, मैंने वॉल्यूम से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहां पर जो आपका रेट ऑफ कन्वर्जन था ये किसमें निकल कर आ रहा था, मोल के अंदर निकल कर आ रहा था। अब मोल क्या है आपका, मोल आपके पास अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है, मास के ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये आपकी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, और रेट को जनरली हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ ही डिफाइन कर सकते हैं ताकि आप लोग हर चीज़ के साथ उसको कंपेयर कर सको। अगर मान लो किसी रिएक्शन के अंदर आपने 5 ग्राम रिएक्टेंट लिया, किसी और रिएक्शन के अंदर आपने वही रिएक्टेंट 10 ग्राम ले लिया, किसी और रिएक्शन के अंदर आपने 15 ग्राम ले लिया, तो आपका रेट तो हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग सेम ही होना चाहिए, यानी कि रेट आपका इनिशियल मास आपका कोई भी हो लेकिन आपका रेट सेम होना चाहिए, यानी कि आपको एक रेट ऐसा चाहिए जो कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो, यानी कि वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो। लेकिन आपका जो रेट ऑफ कन्वर्जन निकल कर आया था ये मेरी कैसी थी, ये आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली क्या आ रहा है, मोल ही आ रहा है, मोल तो आपका होता है एक्सटेंसिव है, तो आपको इस एक्सटेंसिव को इंटेंसिव में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे आप लोग, इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल कर आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, और जैसे ही आप लोग रेट ऑफ कन्वर्जन को वॉल्यूम से डिवाइड करते हो इसको आप बोल देते हो रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है, क्या होता है, रेट ऑफ कन्वर्जन अपॉन वॉल्यूम। रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जाई क्या होता है आपके पास, एनआई फाइनल माइनस इनिशियल एनआई स्टार डिवाइडेड बाय स्टोचियोमेट्री, आपकी क्या है, स्टोचियोमेट्री है। तो बेसिकली आपकी थ्रू आउट द रिएक्शन जो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है, ना कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है, उसको हम लोग अभी प्रूव करने वाले हैं। तो आपने इसको डिवाइड किया वॉल्यूम से, डिवाइड वॉल्यूम से क्योंकि आपने डिवाइड बाय वॉल्यूम टू मेक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आपने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि आपने इसको 1 बाय वी से मल्टीप्लाई कर दिया। आपका रेट ऑफ कन्वर्जन क्या था, 1 इनटू में म्यू अपॉन में डी इनटू में एनआई बाय डीटी, ये आपका क्या था, ये आपका रेट ऑफ कन्वर्जन था। आपका ये वॉल्यूम है कॉन्स्टेंट है, ये जो आपका यहाँ पर वॉल्यूम है इसको आपने क्या किया, इसको आप अंदर लेके आ गए, एनआई बाय वी कर दिया, एनआई बाय वी क्या है आपका, एनआई बाय वी तो आपका कंसंट्रेशन होता है, तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन को लिख दिया 1 बाय म्यू इंटू में डी सी बाय डी टी। तो ये जो आपकी टर्म है, ये जो आपकी टर्म है 1 बाय म्यू, यानी कि 1 बाय म्यू क्या, स्टोचियोमेट्री, ये आपकी डिफाइन होकर आ गई। तो इस तरीके से आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को इसके बराबर बोलते हो, किसके बराबर, 1 बाय म्यू इंटू में डी सी बाय डी टी। अब वो बाद की बात है आप किस तरीके से इसको याद करते हो, बेसिकली मोटी मोटी बात तो ये कि आपको याद होना चाहिए कैसे आप उसको लिख सकते हो, और लिखना आपको आता है। मैंने बस आपको इस लेक्चर के अंदर इसलिए थोड़ा सा एम्फेसाइज किया कि कैसे आप लोग इस चीज़ को लिखते हो वो भी आपको पता होना चाहिए, कैसे आप लोग इस टर्म तक पहुंचे हो। तो इस तरीके से हम लोग पहुंचे हैं यहाँ तक, कहाँ तक, रेट ऑफ रिएक्शन तक। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ। तो ये चीज़ तो आपको पता है, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है 2a + 3b + 4c, तो आप इसको कैसे लिखते हो रेट ऑफ रिएक्शन को, माइनस का 1/2 डी ए बाई डी टी इजल टू क्या, 1 - 1/3 डी बी बाई डी टी। माइनस कहाँ से आया, यहाँ पर बेसिकली क्या था, 1 अपॉन में स्टोचियोमेट्री डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डी टी। अब स्टोचियोमेट्री रिएक्टेंट की नेगेटिव होती है, यानी कि ये क्या है, स्टोचियोमेट्री माइनस का 2 होगा, तो माइनस को यहाँ लिख लो या फिर यहाँ लिख लो, बात क्या है, 1 है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर माइनस निकल कर आ गया, माइनस का 1/2 डी ए बाई डी टी इजल टू क्या, माइनस का 1/3 डी बी बाई डी टी इजल टू क्या, प्लस का 1/4 डी सी बाई डी टी। आपको लिखना आना चाहिए, लिखना आपको आता है। इसमें जो आपका डी ए बाई डी टी क्या है, डी ए बाई डी टी को आप बोलते हो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डी माइनस के डी बी बाई डी टी को क्या बोलते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, प्लस के डी सी बाई डी टी को क्या बोलते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ये सब चीज़ें आपको पता है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके इतने से टॉपिक से भी आपसे पूछा गया है, जून 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है नेट के अंदर, क्या क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं इसे। फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन 2a + 3b गिव्स 3z, रेट
ऑफ कंजप्शन ऑफ ए इज 2 × 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मोल पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड। आपको रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए दिया हुआ, यानी कि आपको माइनस का dA बाय dt दिया गया है, माइनस का dA बाय dt दिया गया है। कितना दिया गया है? 2 × 10 रेज टू द पावर 4। और आपसे क्या पूछा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि dZ बाय dt आपसे पूछा गया है। तो रिएक्शन को देख के आप क्या बोल सकते हो? रिएक्शन को देख के आप बोल सकते हो कि माइनस का 1/2 dA बाय dt इक्वल टू क्या? माइनस का 1/3 इंटू में क्या? dV बाय dt इक्वल टू क्या? प्लस का 1/3 इंटू में क्या? dZ बाय dt। अब आपको रिएक्शन किसमें निकालना है? आपको रिएक्शन चाहिए dZ के अंदर और dA के अंदर। तो आप इन दोनों को सामने सामने लिख दो। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है dA बाय dt। कितना गिवन है? उसको यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो क्या पुट किया मैंने? माइनस का 1/2 इंटू में कितना गिवन है? 2 × 10 रेज टू दी पावर माइनस का 4। ये माइनस के साथ में गिवन है तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, क्योंकि आपके जो वैल्यू गिवन है वो माइनस के dA बाय dt के साथ गिवन है। 1/2 इंटू में 2 × 10 रेज टू दी पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया? 1/3 dZ बाय dt। तो ये आपको गिवन है, 3 को इधर ले जाओ क्या आ जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ गया? 3 × 10 रेज टू दी पावर माइनस 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, छोटी छोटी बातें हैं काइनेटिक्स के अंदर, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको छोटी बातें नहीं पता होंगी तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। तो आपको हर एक चीज़ को लेना है, कोई भी पार्ट केमिकल काइनेटिक्स के अंदर छोड़ना नहीं है, हर एक पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर एक पार्ट से आता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन गेट 2008 का है। फॉर अबव केमिकल रिएक्शन व्हाट इज dx बाय dt, व्हाट इज dx2 बाय dt। ये रिएक्शन आपको दे रखी थी, क्या इक्विलिब्रियम रिएक्शन, यानी कि क्या 2x3, आप सिंगल ले लो इसको, 3x2। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, आपको क्या निकालना है? dx2 बाय dt निकालना है। तो आपको पता ही है क्या? 1/2 माइनस का dx3 बाय dt इक्वल टू क्या होगा? प्लस का 1/3 dx2 बाय dt। तो dx2 बाय dt क्या आ गया? dx2 बाय dt क्या आ गया? dx2 बाय dt का डायरेक्टली आपका आ गया 3/2 माइनस का dx3 बाय dt, सीधा आपको मिला था। एक मार्क्स का क्वेश्चन आया था गेट के अंदर ये। तो क्वेश्चन तो आपसे वो कहीं से भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक आसान है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो ये भी है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन आया आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से, क्या है? इफ़ 10 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 20 मोल ऑफ H2 एंड आफ्टर सर्टेन टाइम 5 मोल ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट्स। आपको रिएक्टेंट के केस के अंदर निकालना है कि आपकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का आपने फॉर्मूला पता है क्या है? जाई क्या होता है आपका? जाई आपका होता है एन फाइनल माइनस एन इनिशियल डिवाइडेड बाय क्या? स्टोचियोमेट्री। तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन क्या है आपकी? N2 है प्लस H2 है गिव्स NH3 है। इसको क्या कर लो? बैलेंस कर लो। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंसिंग हो गई। अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट्स। आपको रिएक्टेंट के लिए क्या निकालना है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका रेट है वो बराबर नहीं होता। बेसिकली आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए, या फिर आपके पास कितने भी रिएक्टेंट हो या फिर कितने भी प्रोडक्ट हो। बेसिकली आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है हर एक स्पीसीज के लिए। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बराबर होने की वजह से आपका रेट भी बराबर होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन बेसिकली आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है हर एक स्पीसीज के लिए जो केमिकल रिएक्शन के अंदर है। तो अगर आपसे यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या? आपका जो ये जो रिएक्शन ये जो आपका जाई है, ये प्रोडक्ट का किसके बराबर होगा? जाई और रिएक्टेंट के भी बराबर होगा। मैं इसको बराबर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्रोडक्ट के लिए आप इसको ईजिली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? रिएक्शन आपके पास ये है, आप यहाँ पर कह रहे हो कि आपका 5 मोल ऑफ एनएस प्रोड्यूस हुआ है, तो इनिशियली कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। तो इनिशियल अमाउंट तो 0 हो गया, फाइनल अमाउंट 5 हो गया, स्टोचियोमेट्री आपको पता है 2 है, तो क्या निकल कर आ गई है? 5 माइनस का 2 अपॉन में 2 क्या हो गई है? 3/2, यानी कितनी आ गई आपके पास? 1.5 आपके पास सीधी सीधी इसका जाई निकल के आ गया। तो इस तरीके से एक लाइन के अंदर आपका एक क्वेश्चन हो गया। ये भी आपसे नेट के अंदर पूछा गया था, नेट का क्वेश्चन था, ये भी आपका इजी तरीके से हो गया। लेकिन अगर आप रिएक्टेंट को लेकर चलोगे तब भी आपका आंसर जो है वो सेम ही निकल कर आएगा, आंसर आपका अलग नहीं निकल कर आएगा। रिएक्टेंट के लिए आप कैसे निकालोगे? रिएक्टेंट के लिए आप निकालोगे कि आपका कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है। आपको रिएक्शन पता है, सिंपल आपको मोल कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे। रिएक्शन क्या आपकी? N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। इसके आपको इनिशियल 10 मोल गिवन है, इसके आपको 20 मोल गिवन है, आपको आप कह रहे हो इनिशियल 0 है इसके, और इसके आपके पास पता नहीं कितने बचे हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो है इसका 5 मोल बचे हुए हैं। तो आपको सिंपल कंसेप्ट लगाना है मोल कंसेप्ट का। आप मान लो N2 के केस के लिए निकाल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? 2NH3 बन रही है कितने से? 2 मोल ऑफ NH3 बन रही है आपकी 1 मोल ऑफ N2 से। तो आपकी 5 मोल ऑफ NH3 कितने से बनेगी? 5 मोल आपकी बनेगी 1/2 × 5 से, यानी कि कितने से? 2.5 मोल ऑफ N2 से आपकी बनेगी 5 मोल ऑफ NH3। 2.5 मोल ऑफ N2 यानी कि आपके खर्च होने चाहिए। अगर आपके 2.5 मोल ऑफ N2 खर्च होंगे तो बचे कितने? इनिशियल कितने थे? 10 थे,
बचे कितने आपके पास, ढाई आपकी ख़त्म हुई, तो कितने बच गए आपके पास, 7.5 आपके पास बच गए। ये आपके पास क्या है, एन एफ है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एन इनिशियल है। आपको स्टोइकोमेट्री पता है कैसे निकालोगे, आपके पास क्या है, ये आपके पास एन इनिशियल है। जाई कैसे निकालोगे आप, एन फाइनल माइनस एन इनिशियल डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्री। एन फाइनल कितना निकल गया आपके पास, एन फाइनल आपके पास निकल गया 7.5। माइनस क्या करोगे आप, 10 करोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, डिवाइडेड बाय इसको करोगे स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री से क्या है आपके पास, 1 है, लेकिन वो माइनस के अंदर लोगे आप, तो ऊपर क्या बच गया आपके पास, माइनस का 2.5, नीचे क्या बच गया, माइनस का 1, तो ये आपके पास निकल कर आ गया आंसर 2.5। तो इस केस में भी आंसर आपका 2.5 निकल कर आया था, लेकिन पहले वाले केस में आपका क्या निकल, कितना निकल कर आ रहा था, पहले वाले केस के अंदर भी आपका 2.5 ही निकल कर आ रहा था ना। शायद आपका जो NS3 है पास में बना है, इनिशियली क्या था, 0 था। स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है इसकी, N2+3H2 गिव्स 2NH3, तो स्टोइकोमेट्री इसकी प्लस का 2 है, तो क्या निकल कर आ रहा था, 2.5 ही निकल कर आ रहा था। तो आप N2 के साथ में निकाल लो, आप NH3 के साथ में निकाल लो, या फिर आप H2 के साथ में भी निकाल लो, आपका जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो सेम ही निकल कर आएगा, वो 2.5 ही निकल कर आया था। तो इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं NET JRF के अंदर, और दोबारा भी आ सकते हैं। तो आपको ये वाला कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि आपका एक्सटेंट सेम होता है, आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सेम होता है, उसकी वजह से आप लिख सकते हो क्या, जो आप लिखते हो रेट लॉ के अंदर कैसे लिखते हो आप, मान लो कि रिएक्शन है A+2B gives 3C, तो जो आप ये चीज लिखते हो -1/1 dA/dt इक्वल टू क्या, -1/2 dB/dt, तो ये आप इसे लिखते हो क्योंकि आपका एक्सटेंट सेम है, +1/3 dC/dt। और ये प्लस माइनस कैसे लगाते हो आप, क्योंकि आपका स्टोइकोमेट्री रिएक्टेंट के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोडक्ट के लिए क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। बाद में आप लोग बोल देते हो कि आपका ए टाइम के साथ ए घट रहा है तो आपका ये माइनस का हो गया, टाइम के साथ आपका प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो वो प्लस का हो गया, लेकिन रियलिटी में स्टोइकोमेट्री नेगेटिव होता है रिएक्टेंट के लिए, और प्रोडक्ट के लिए आपका स्टोइकोमेट्री प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस आता है। इक्वल टू आप इसलिए बोलते हो क्योंकि जिस एक्सटेंट में आपका ए खत्म होगा उसी एक्सटेंट के अंदर आपका बी खत्म होगा, और उसी एक्सटेंट के अंदर आपका सी बढ़ेगा, और एक्सटेंट का फॉर्मूला आपके पास ये निकल कर आया था जब आपने उसको एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर उसको आपने कन्वर्ट कर लिया था। इंटेंसिव में कन्वर्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको जो ग्रेड निकालना है वो आपको हर एक के लिए निकालना है। आप मान लो किसी रिएक्शन के अंदर 10 मोल ले रहे हो इनिशियल का, किसी भी आपका रिएक्टेंट का 10 मोल ले रहे हो, तो अगर आप किसी और रिएक्शन के अंदर उसका 20 मोल लोगे तो आप वहाँ पर उसको कंपेयर कर सको, इसलिए आप लोगों ने वहाँ पर उस प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव से इंटेंसिव बनाया। तो बेसिकली एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है स्टोइकोमेट्री प्लस माइनस होता है, ना कि आप ये बोलो कि आपका ए बढ़ रहा है तो आपका टी के साथ आपका ए घट रहा है तो आपका वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये बेसिक सी बातें की है हमने आज, कुछ टॉपिक उठाए बहुत बेसिक से, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए, कल से हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और जो आपका पहला पार्ट ए है उसको हम 5-6 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उसके अंदर हम लोग सारी की सारी बातें करेंगे, और उसके बाद हम लोग असली कैनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट ए से भी बराबर के क्वेश्चन आते हैं, तो पार्ट ए को भी आपको अच्छे से करना है। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, और आप मेरे लिए कोई कमेंट भी छोड़ सकते हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तब भी आप कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप इसको अच्छे से करवा दो, तो मैं उसे दोबारा भी करवा दूंगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और खुश रहिए। थैंक यू।